एएसओ के छात्र संगठन द्वारा दिया गया कलेक्टर को ज्ञापन, साथ ही मांग की गई कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्र छात्रा हैं उनको अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिली है, वहीं एग्जाम फॉर्म भरने में इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं फॉर्म भरने में ये नियम है कि फॉर्म के साथ एडमिशन फीस भी जमा करनी पड़ती है। वहीं डीएसओ छात्र संगठन का कहना है कि जब तक छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं दी जाती तब तक गरीब छात्र छात्राएं अपनी एडमिशन फीस कैसे भर पाएंगे। अरे गिराओ का एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनका तो परीक्षा बहुत रहेगा, अभी स्कॉलरशिप का बटन नहीं खुला है, उसको लेके अभी बताया गया था कि 10 फरवरी को आश्वासन दिया था खुलेगा, उसको लेके 3 महीने से कई बार डेट दे चुकी है। दूसरा पॉइंट सर, दूसरा सर ये है कि जो ओबीसी कैटेगरी है छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ के द्वारा अभी कलेक्टर सर को एक ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन के जरिए हम लोगों ने मांग की है कि अभी जो द्वितीय वर्ष और प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं जिनका अभी सेकेंड ईयर वालों के एग्जाम फॉर्म भराए जा रहे हैं, और ये नियम है कि एग्जाम फॉर्म भरने के साथ साथ उनकी एडमिशन फीस जो एडमिशन के टाइम पे माफ हुई थी उसको भी वो पूरा जमा करा रहे हैं। लेकिन ये जो प्रावधान है कि जो एडमिशन फीस स्टूडेंट्स की आती है वो स्कॉलरशिप के साथ आती है, लेकिन अभी दिक्कत ये आ रही है कि स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आई नहीं है और उनकी एडमिशन फीस जमा कराई जा रही है। जब स्कॉलरशिप में उनकी एडमिशन फीस आई नहीं है तो वो जमा कहाँ से करेंगे? ऐसी स्थिति में जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं जो इतनी 5,000, 6,000, 12,000 फीस जमा नहीं कर सकते वो कहाँ से जमा कर पाएंगे? तो हम लोगों ने मांग की है कि पहले उनकी स्कॉलरशिप डाली जाए उसके बाद उनकी एडमिशन फीस जमा कराई जाए। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर सर ने अभी ये आश्वासन दिया है कि वो इस चीज़ में मतलब इस संबंध में वो बात करेंगे, लेकिन अभी ठोस आश्वासन हमको यहाँ पर नहीं।